हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आई क्यू नो हाउ में। बचपन से अभी तक हमेशा जब भी किसी ने सवाल किया है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हमेशा हमारे मुंह से एक ही जवाब निकला, 9। लेकिन कुछ समय पहले ये 9 से घटकर 8 हो गए हैं। आपको पता है क्या, इनमें से एक ग्रह है प्लेटो, जिसे अब प्लैनेट नहीं माना जाता, जिसे ग्रह नहीं माना जाता। क्या आपको पता है इसे ग्रह क्यों नहीं माना जाता? तो चलिए क्यों ना आज हम जानते हैं कि प्लेटो इज नॉट अ प्लैनेट एनीमोर, व्हाई। इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज आई क्यू नो हाउ। हम यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, हम फेसबुक और ट्विटर पर भी आपको उपलब्ध हैं। आज से कई साल तक प्लेटो को हमारे सौर मंडल का ग्रह माना जाता रहा है। लेकिन साल 2006 में जब 6-7 में सारे वैज्ञानिकों की जो विश्व स्तरीय एक मीटिंग होती, जिसे हम बोलते हैं रिसर्चर्स की मीटिंग होती है, उस दौरान प्लूटो को अचानक ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये सवाल आया कि क्यों बाहर किया गया। इस सवाल का जवाब हम बिल्कुल आगे की स्लाइड्स में देंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लेटो का नाम कब पड़ा और प्लेटो को ग्रह कब माना गया। 1930 में अमरीकी वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बॉक ने एक ग्रह खोदा, जिसे उस ग्रह का नाम ढूंढा कर सोचा गया कि नाम क्या देना चाहिए। एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया कि जिसको जो भी नाम सजेस्ट करना है सजेस्ट करिए, जिसका नाम भी बेहतर होगा सारे वैज्ञानिक चुनेंगे, वही नाम रख दिया जाएगा। तभी ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन की 11वीं की छात्रा वेनिशिया वर्ने ने एक नाम सजेस्ट किया। नाम था प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है अंधेरे के देवता। रोम में अंधेरे के देवता को प्लेटो कहते हैं। कारण यह था कि प्लेटो जो ग्रह है वो सूर्य से काफी दूर है, एक तरह से हमारे सौर मंडल का सबसे आखिरी कोना, आखिरी छोर, वो प्लेटो ग्रह का है, क्योंकि वो कूपर बेल्ट पे उपस्थित है, वहां पर हर वक्त अंधेरा रहता है। इसीलिए रोम में अंधेरे के देवता इस ग्रह का नाम प्लेटो रखा गया। प्लेटो क्या करता है, 248 साल में सूरज का एक ही चक्कर लगा पाता है। हुआ क्या, अब हुआ क्या था, क्यों हटाया गया था? 2006 और 2007 में वैज्ञानिकों में चर्चा के दौरान एक नई परिभाषा आई सारे ग्रहों की उभर कर। उसके अनुसार 3 मापक तय किए गए। उन मापकों में ये था कि पहला, कोई भी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता हो उसको हम ग्रह कहेंगे। दूसरा, वह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल उसमें काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तीसरा, ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। जब हम ये 9 ग्रहों को एक साथ देखते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण और यम, यम मतलब प्लूटो, तो इन सभी ग्रहों में, ये सभी ग्रह में कॉमन क्या है, सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इतना बड़ा जरूर हो कि सभी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका आकार गोलाकार हो जाए। इन सभी का आकार लगभग लगभग गोलाकार होता है ना, जैसे अपनी पृथ्वी का ऑरेंज शेप्ड है। अब तीसरा आता है, ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। लेकिन जब इस पे आते हैं कि स्वतंत्र कक्षा बना सके, तो अगर आप ये प्लेटो और नेपच्यून को देखिए, ये जो ब्लू कलर का पाथ है नेपच्यून का ऑर्बिट है, कक्षा जिस पर नेपच्यून सूर्य के चारों परिक्रमा करता है, पर्पल पाथ है प्लेटो का जिसमें वो सूर्य के चारों परिक्रमा करता है। तो जो प्लेटो का पाथ है ये गोल नहीं है, परवलयाकार है, और ये परवलयाकार जनरली कई ग्रहों का परवलयाकार परवलयाकार ही होता है। जैसे पृथ्वी का भी जो ऑर्बिट है वो एकदम गोल नहीं है, परवलयाकार है, लेकिन पृथ्वी अपने ऑर्बिट में फिर भी किसी भी ग्रह दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को कट नहीं करती है। लेकिन प्लेटो यहाँ पे सीधे सीधे नेपच्यून के पथ को 2 बार कट करता है। इस वजह से प्लेटो को ग्रह मानने से वो जो नई परिभाषा तय हुई उसके अनुसार ग्रह नहीं माना जा रहा। अब आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटो इज वियर्ड ऑर्बिट, प्लेटो का अजीब सा ऑर्बिट। ये एक चपटे स्थल, जो चपटाकार अपनी जैसे प्लेट होती है, उस प्लेट के अकॉर्डिंग ये जो प्लेट है ना, सभी सौर मंडल की आपको दिख रही होगी क्लियर, ये प्लेट है। इस प्लेट में सभी ग्रह गोल गोल पृथ्वी की और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। लेकिन जब आप प्लेटो का देखेंगे हल्का सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, इस वजह से 2 बार नेपच्यून के पथ को कट करता है, स्वतंत्र कक्षा इसकी नहीं है। चलिए जानते हैं प्लेटो के बारे में, बाकी कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जब हमने इतना जान लिया, प्लेटो के 5 उपग्रह हैं, में सबसे बड़ा उपग्रह शेरन है, 1978 में खोजा गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेटो का जो एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, वो कैसा है। प्लेटो का एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा पतला है, क्योंकि वो पृथ्वी सूरज से काफी दूर, और काफी दूर होने की वजह से क्या होता है कि अंधेरा रहता है, और अंधेरा रहने की वजह से जितनी भी गैसें हैं, जैसे ध्यान रखिएगा इसमें मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 गैसें हैं, ये 3 गैसें प्राथमिक रूप से
उपस्थित होती हैं प्लेटों पे। ये तीनों गैसें क्या होती हैं, चूंकि बहुत दूर है प्लेटो, ठंड गर्मी पहुंच नहीं पाती, ठंडा एनवायरमेंट रहता है, तो सारी गैसेस जम जाती हैं। जमने की वजह से पूरा एनवायरमेंट ठंडा होता है। लेकिन जैसे जैसे एक ग्रह सूरज के पास आता है, गर्मी बढ़ती है, गैसें पिघलने शुरू हो जाती है, और जैसे गैसें पिघलती हैं वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति बढ़ती है, और वायुमंडल फिर से सघन हो जाता है, घना हो जाता है। ये आप इसको इस चित्र में देख सकते हैं। सबसे बाहरी लेयर है फ्रोजन नाइट्रोजन की, अंदर वाटर आइस है, मतलब पानी और बर्फ दोनों मौजूद है, बर्फ लेकिन ज्यादातर है क्योंकि काफी समय तक सूरज से दूर रहता है, और सबसे अंदर रॉकी लेयर होती है। तो ये था हमारा प्लेटो। प्लेटो के बारे में और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे एक बार और आप देख सकते हैं कि कूपर बेल्ट में प्लेटो का जो ऑर्बिट है, कक्षा है, वो उपस्थित है। इस ये वाला जो आपको येलो पाथ दिख रहा है, इसमें ये प्लेटो का ऑर्बिट पाथ है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए प्लेटो ग्रह के बारे में, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई और भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे, और इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।